भूपेश बघेल ने पिछले 4 सालों में अपने ऐतिहासिक निर्णयों और जनहितैषी नीतियों से लोगों के दिलों में मजबूत जगह बनाई है। पिछले 4 सालों की इन्हीं जनहितैषी नीतियों को लेकर हमारी खास पेशकश है 2 दुनी 4 खुशियां अपार, 4 साल बेमिसाल। छत्तीसगढ़ में बीते 4 सालों में खेती किसानी में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। इन्हीं वर्षों में जहाँ खेती का रकबा बढ़ा है, वहीं कृषि उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य में लगभग 30 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल ली जा रही है। खरीफ में सर्वाधिक धान की फसल ली जाती है। धान की फसलों की व्यवस्थित खरीदी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाती है। न्याय के 4 साल इनपुट सब्सिडी के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ, किसानों को खेती किसानी के लिए ब्याज मुफ्त ऋण की भी व्यवस्था। वर्ष 2018 में पंजीकृत किसानों की संख्या 16.92 लाख, जो बढ़कर अब 25.12 लाख हुई। छत्तीसगढ़ में समृद्ध होते किसान, किसानों के जीवन में खुशहाली। किसानों की चिंता को न्याय करके मिटा दिया, कर्ज माफी करके सबका भला किया। बनता था हक जो जिनका, उनको दिला दिया। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी में आया बदलाव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसान हितेशी नीतियों का परिणाम है। किसानों को समर्थन मूल्य का उचित मूल्य दिलाने के साथ ही उन्हें इनपुट सब्सिडी के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। योजना के तहत धान की फसल लेने वाले किसानों को 9,000 रुपए और धान के अलावा खरीफ की अन्य फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा किसानों को खेती किसानी के लिए ब्याज मुफ्त ऋण की भी व्यवस्था की गई है। इन सब का परिणाम ये निकला है कि जो किसान खेती किसानी छोड़ चुके थे, वे भी अब खेती किसानी से जुड़ रहे हैं। वर्ष 2018 में पंजीकृत किसानों की संख्या 16.92 लाख, जो बढ़कर अब 25.12 लाख हो चुकी है। पिछले 4 वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ की मदद किसानों और मजदूरों और गरीब वर्ग के लोगों को दी है। बहुत फायदा हो रहा है, किस्त मिल रहा है तो पैसा भी बच रहा है और समय में उस पैसा का उपयोग भी हो जा रहा है। उससे मैं खेत भी बनवाया हूँ और बच्चे के पढ़ाई में खर्चा किया हूँ और ट्रैक्टर भी खरीदा हूँ। इससे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा और खेती किसानी के लिए भी रकम रखना पड़ेगा, जिससे खेती अच्छा से हो और उत्पादन भी अच्छा से हो। 2640 दे रहा है सरकार की योजना, बहुत अच्छा है। किस्तों में रहे तो पैसा भी बच जाता है, जिससे समय में पैसा का सदुपयोग भी हो जा रहा है। फायदा बहुत कुछ हो रहा है इसमें, अर्थव्यवस्था सुधार है या गरीबों का, किसानों का, सभी का अर्थव्यवस्था सुधार है इसमें। आप क्या क्या किए, कुछ जमीन खरीदे या ट्रैक्टर खरीदे? खरीदे हैं ना, ट्रैक्टर खरीदे हैं, जमीन अभी जो बचा है उसको जमीन अमीन बनवाएंगे। और इसी पैसा का जो 2640 रुपए मिलेगा, उससे क्या करेंगे, क्या फायदा होगा आपको? फायदा है ट्रैक्टर वैक्टर के किसी पटाने में सहूलत होता है और बोर और खुदाई उदाई करेंगे अगर हो जाएगा बजट सही तो। भूपेश सरकार है किसान मन के, हमर मन के बहुत सेवा करत है। नरवा घुरवा बारी से हमर जो नरवा है वहाँ खेत में पानी पहुँच सकत है और ले जावत हन, ओकर से हमर बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश सरकार ला। और का गांधी न्याय योजना के तहत आपन ला कतका फायदा हुआ है, का फर्क पड़त है? ओकर से हमर बहुत अच्छा फायदा हुआ थे। छत्तीसगढ़ में तारी की जाए, मैं एक किसान हूँ और भूपेश सरकार वाला धन्यवाद देता हूँ कि हमार फसल जो धान है बोला समर्थन मूल्य से अधिक जो केंद्र सरकार दे ओकर से अधिक में खरीदे थे। हमारा समृद्ध बनाए थे और जो राजीव गांधी न्याय योजना है एकर तहत हमारा जो भी देवत है किस्त के हिसाब से, एकर से भी किसान खुशहाल हन। और अपन जो पैरा है बोला पैरा दान करे थन गौठान में, एकर से हमारे पशु जो गौ माता है एमन है अपन
भरपेट भोजन लेवत है और हमारे फसल के नुकसान भी नहीं हुआ थे। एकर लिए मैं भूपेश सरकार ला धन्यवाद देवा। वर्मी खाद का अपन उपयोग करता तेकर से उत्पादन में का फर्क पड़े? हाँ, वर्मी खाद से ना जो है उत्पादन है ना थोड़ा से बढ़े है, मतलब अभी पहली बार हो है तो थोड़ा से उत्पादन में वृद्धि हो है और एकर से फसल ठोस हो है। ठोस के मतलब है जो चावल है ना वो अच्छा किस्म का आवत है और जो धान है ओकर में लाइट जो है ना चमक उमा ज़्यादा हो। किसान के लिए वरदान साबित हो है काबर की हमन ह एक सामान्य किसान रहे हैं, हमन जो उपार्जन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते रही से। लेकिन निश्चित तौर पर आदरणीय भूपेश बघेल जी के बने से जो किसान न्याय योजना हुई से जिसमें पर एकड़ 9,000 रुपये देना है तो निश्चित तौर पर बहुत ही लाभ मिली से। काबर की मोर पास 9 एकड़ जमीन है और 9 एकड़ में 9,000 के लागत से जो राशि मिलते वो ओकर से मैं ट्रैक्टर भी खरीदे हूँ, अन्य मोर जो उपयोगी सामान रही से या मोर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना रही से ओकर लिए भी मैं कार्य करे हाँ। तो निश्चित तौर पे हमन किसानी की ओर जाथन, एकर से किसान जो किसानी नहीं करना चाहत रही से वो अब किसान की ओर फिर निरंतर बढ़त जाते। एकर से आप समझ सकते हो कि रकबा में जो धान के रकबा है उसमें भी बढ़ोतरी हुई से। हाँ, बहुत फायदा हुआ है सिंचाई के लिए और साग भाजी के लिए, अपासिक नाम से बहुत फायदा है हमारा। काबर पहले तो नहीं हुआ था धान पान, अभी फसल ठीक है, साग भाजी भी मिलत है और खाद भी मिलत है हमला, धान के रेट भी बढ़ाए है, बोनस 2600 से करे है, एकर से हमला फायदा है भूपेश सरकार से। राज्य सरकार द्वारा खेती किसानी को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज 24 लाख किसान हो गए और ये धान की खेती का साथ ही जो कोदो कुटकी रागी मक्का गन्ना वृक्षारोपण अन्य जो सुगंधित धान के फसलें ले रहे हैं उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कृषि का रकबा भी बढ़ा है, किसानों की संख्या भी बढ़ी है। गौ पालकों में जहाँ हम लोग गोबर खरीदी की शुरुआत की थी उस समय बहुत सारे साथियों के मन में शंका थी कि किस प्रकार से खरीदी की जाएगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए इस वर्ष किसानों को ग्रेड ए धान के लिए 2060 रुपए और कॉमन धान के लिए 2040 रुपए प्रति क्विंटल की मान से राशि भुगतान की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए धान खरीदी केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सातन न्यूज। न्याय के 4 साल। इनपुट सब्सिडी के रूप में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत किसानों से विशेष तौर पर चर्चा कर योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा भी लेते हैं। किसानों की आर्थिक व्यवस्था में आए बदलाव का असर इस बात से देखा जा सकता है कि इन 4 वर्षों में बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर सहित अन्य कृषि उपकरण यंत्रों की खरीदी की है। जमीन खरीदे
बुंदेली का। अच्छा कत जमीन हमारा 50 एकड़ है लगभग। 50 एकड़ और कर्जा कत मान भरी से माननीय महोदय आपके कृपा से 12,50,000 रुपया सोसाइटी के जन पुराने रही से थोड़ी समय मोर माता जी के बहुत जल्द तबियत खराब हो गए तो तुरंत मोर केसीसी भी आपके माध्यम से यहाँ सोसाइटी से मिल गए और अगर बीमारी के इलाज कराने में सक्षम हो जी और वो चीज में केसीसी चली और खेती के हमें बार बार बीमा मिलेगा ये अपन किसान न्याय योजना के जन पैसा राशि मिलेगा से हमारे स्थिति सुधरी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और हमारे क्षेत्र के जो विधायक है ये अपन दुधारू दायित में हम लोग बताई कि ये सब योजना के तुम लाभ हो और हम लोग पाछू लोग हैं और हम लोग साथ दिए तो हम लोग अपना साथ दे धान के लिए पैसा अलग दूसरे कनक बीमा पैसा अलग और ऋण माफी पैसा अलग मिलू महोदय और राजीव गांधी किसान अकाल अकाल के नाम से हमारी स्थिति बहुत दुर्बल हो गई सर माननीय महोदय जी लेकिन ये जो आप योजना जन चला होगा तो हम लोग फायदा मिली ऋण माफी होने के बाद हम उत्थान में हमारे अच्छा तो धान देते अभी जो अभी मेरे दो दिन में 2 टोकन था अभी 2-3 टोकन बचे हैं। अच्छा जी 2 टोकन लिए हैं वो मोर और मेरे भाई के नाम से। अच्छा अभी 2 टोकन के बजाय अभी टाइम है कि जो हम टोकन मिल रहे हैं लेकिन बचा जाए और पैसा आगे हाँ आगे न होगा कितने दिन में 3 दिन 3 दिन के अंदर 3 दिन में आना है अब अभी रखे हम साहब अभी घर बिहार कर दो लेकर मन के लेकर पढ़ाते इन्हीं में आते साहब सब योजना में हाँ बिल्कुल सही बात आप आपके आपके सहयोग आपके शासन के बहुत बढ़िया सहयोग अभी मतलब मिली से हम बाहर हो एक आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपके दुआ और आपके ये उत्थान हम लोग बहुत बढ़िया मिले हैं आपके आशीर्वाद बने रहा है नहीं 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 आपके बहुत इसकी एक घेर है और आप जुग जुग जो है घर बता रहा आपके ऊपर आप बात करो हमारे विधायक महोदय यहाँ जुग जाकर रहे ये हमारे बड़ा लोग सवाल जी एक बात अब हमारे से थोड़ा बहुत 2-4 साल छोटे बड़े हो वो 7 साल उम्र चल बात तो मोल 1 साल छोटे रहते हैं है ना उसी आम ने कहा है कि जोहाव करके देख और मकान बना के दे तो पहली ये महाराजे मन जमीन ला बेच बेच के बिहाव करा थी हाँ बेहद लोग दिक्कत दे रखे तुम्हारी सरकार के आने के बाद से है ना जो पंचायती राज है उसमें भी बहुत सारी जो परेशानियां थी वो दूर हुई है नए नए विकास कार्य जो आए हैं गांव में जैसे गौठान से है गौठान में जैसे गौठान में गोबर खरीदी है राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसे अच्छी अच्छी लगी ऐसे इस कारण बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ना इस सरकार की जो राजीव गांधी न्याय योजना में जिसमें मुझे न्याय योजना के अंतर्गत मुझे जो किस्त मिली है उससे ना मैं अपने घर को एक पक्की मकान बना सका हूँ उस किस्त के जरिए तो इससे मैं ना बहुत ज़्यादा रौती किया हूँ राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत और मेरा घर नया बना हुआ है और अभी भी धीरे धीरे मैं उन पैसों से उसको सजा रहा हूँ अपने घर को तो इस दिशा से भी बहुत अच्छा मतलब मेरे को फायदा हुआ है अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जो धरोहर है उसको भी बचाने में लगी हुई सरकार है हमारा भूपेश सरकार तो ऐसे सब चीज़ जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना करना बिल्कुल बहुत ही सही बात है सरकार की 4 साल बिल्कुल अच्छा तरीका से चल रहा है अभी तक 4 साल बहुत अच्छा चल रहा है 4 साल खुशहाल मोला मिले है अभी 6,000 पैसा वाह भैया और खेत खान नहीं है जी चलो अब मिल जाते मोला कोई सरकार हाथी खान मान लग गए अब से बने है सरकार गरीब के रक्षा करा था बहुत बढ़िया तो
कर चुके हैं। अच्छा कतेक कर ले रहे? 50,000 छोड़ोगे? हाँ छोड़ोगे। और धान कतेक बेचे? धान बेचे हम यहाँ 67 क्विंटल। अभी बेचा बेच रहे? आओ बेचा। पैसा आ गए? हाँ आ गए पैसा आ गए। और 3 किस्त राजी लाने के साथ मिल गए? सब मिल वो मिल गए। हाँ मिल गए। और पैसा मतलब अधिक पैसा मिलने का क्या करे? देखा ले हूँ। कौन सा ट्रैक्टर जी? HMT महिंद्रा। अच्छा स्वराज हमारी खास पेशकश दो दुनी चार खुशियां अपार चार साल बेमिसाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।